ये तुम 6 से 7 घंटा पढ़ने के सोचते हो बट पढ़ 1 भी घंटा नहीं पाते, ये एक्चुअल बात है। डेली सोचते हो आज बैठ करके 6 घंटा पूरा पढ़ूंगा, रात हो जाती है यार आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। और जिस दिन तुम 6 घंटा 7 घंटा बैठ के पढ़ गए, अगले दिन तुम्हारा दिमाग कहता भाई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तूने, बहुत ज़्यादा, अब नहीं, अबे आराम से रुक यार, बता पहले दुनिया को मैंने 6 घंटा पढ़ा। 1 महीना निकल जाता है, उसके बाद रियलाइज होता है भाई यार ये तो पूरा टाइम निकल गया, मैंने 6 घंटा 1 महीना पहले पढ़ा था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी छोटी मोटी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा बैठ करके अपने दिन को बर्बाद कर देना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सोचते रहना कि टाइम आएगा 95% स्कोर कर जाऊंगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस वीडियो के अंदर 21 दिन की बात कर रहा हूँ, ऐसा प्लान बताऊंगा जिस प्लान को अगर तुमने फॉलो किया 21 दिन बाद तुम कहोगे कि यार इसके बाद मुझे स्टडी को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम इस 21 दिन के प्लान को करने को तैयार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाना आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये लिख करके जरूर जाना। सबसे पहली बात, अभी तक के टाइम में तुमने एक्चुअल में एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे, सबसे पहले उस गलती को जानो। अप्रैल में तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है, सबका स्टार्ट होता है। अप्रैल में तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, अप्रैल बीती, मई बीती, जून बीती, जुलाई बीती, अगस्त बीता और ये सितंबर, सब कुछ बीत जाता है। एक्चुअल में तुमने अभी तक क्या किया मैं बताऊं, सिर्फ पढ़ाई करी है, सिर्फ पढ़ाई। अब काफी बंदे कहेंगे भाई पढ़ाई करना तो होता है और क्या करना होता है, एक्चुअल में तुमने सिर्फ पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को समझा नहीं अभी तक, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम 6 से 7 घंटे 3 से 4 घंटे ट्यूशन जाते हो, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, यूट्यूब से लेक्चर ले रहे हो, कहीं से लेक्चर ले रहे हो, तुम सिर्फ लेक्चर को ले रहे होते हो, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना जा रहा है और तुमने एक्चुअल में उसको कितना पचाया है। जैसे गाय एक खाना खा रही होती है तो वो सिर्फ खाना खाती है, अब उसको रोटी खिलाओ, गेहूं खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो सिर्फ खाती है, पचाने का उसका एक अलग टाइम होता है। आप देखते हो ना वो हंसे मुंह चलाती रहती है, वो होता है उसके पचाने का टाइम। और यही गलती तुम लोग के साथ होती है, तुम दिन भर के अंदर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ट्यूशन जाते हो, कहते हो बहुत पढ़ाई कर ली, एक्चुअल में तुमने 1 घंटे का 1 मिनट की भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज को ग्रैब करना होता है। नॉलेज को ग्रैब करने के बाद जो पचाने का टाइम है, जो पढ़ने का टाइम है, वो टाइम तुम कभी देते ही नहीं हो अपने आप को, ये एक्चुअल बात कह रहा हूं तुमसे। 21 दिन सिर्फ तुम्हें एक काम करना है। अगर तुम 9 और 10 से बिलोंग करते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा 1 से 1.5 घंटा, और अगर तुम यहाँ पे 11th और 12th से बिलोंग करते हो कम से कम 2 से 2.5 घंटा, ये टाइमिंग को फिक्स कर लो। तुम्हें अपने खाने को पचाना है, अपनी पढ़ाई को पचाना है। पढ़ाई को पचाने का टाइम का मतलब है इस टाइम तुम अपनी प्रोडक्टिव वाली स्टडी करोगे। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है जब तुम पढ़ने बैठोगे, ये प्रोडक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूँ जो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, इसमें जब तुम पढ़ने बैठोगे उस टाइम पे तुम्हें किस चीज़ का ध्यान देना है, आज मैंने दिन भर के अंदर कितनी स्टडी करी, ओके मेरे 1.5 चैप्टर कंप्लीट हुए, अब इस 1.5 चैप्टर में से मुझे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ना इंपॉर्टेंट, इन दोनों को अलग अलग छांटना है। सबसे पहला काम है इन दोनों को अलग अलग छांटो, प्रीवियस ईयर को देखो, कुछ भी देखो, नहीं है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डल रखे, जा करके वहां से देखो, बट ये चीज को छांटो कि इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट कौन सा है। आज मैंने जो पढ़ा उसके अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे अच्छे से समझ में आया और कौन सा मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया, कितना मुझे अच्छे से याद है और कितना मैं अच्छे से भूल चुका हूँ, ये सारी चीज को उस प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर कंप्लीट करो। और जो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा था उसको वापस से रिटेन करने की कोशिश करो और एक ऐसी चीज तैयार करो कि इसके बाद उस चैप्टर को लेकर के, उस प्रोडक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर को लेकर के जितना तुमने नॉलेज को भरा था ना पहले, सिर्फ ग्रैब किया था, वो नॉलेज को लेकर के तुम्हें एक भी चीज कहीं भूले ना। अब इसके बाद अगर तुम 11th 12th या फिर जेई नीट से बिलोंग करते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं तुम लोग सोचोगे कुछ कहने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं। अगर तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग चाहिए बहुत ही कम दाम के अंदर, तो मैं PW विद्यापीठ को तुम्हें हाईली रेकमेंड करूंगा, सच बता रहा हूं, जो चीज सबसे कम दाम की होती है वही रेकमेंड करता हूं, महंगी वाली चीज मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, इस बात की कसम है। PW विद्यापीठ के अंदर आपको अभी 35,000 रुपये ऑफ चल रहा है, 60,000 से जस्ट स्टार्टिंग है इस कोर्स के आपके। अगर तुम 11th 12th जेई नीट का कर रहे हो तो आपके आसपास ऑफलाइन सेंटर होगा, वहां पे बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट मटेरियल के साथ, स्टडी जोन, गेम जोन, एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि बड़े बड़े 2-3 लाख वाले कोर्सेज के अंदर नहीं होगी, बहुत ही कम दाम के अंदर है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। अगर तुम ऑफलाइन पढ़ने की भी सोच रहे हो तो PW विद्यापीठ के अंदर तुम डेफिनेटली जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप रजिस्टर जो है वो कर सकते हो। अब इसके बाद मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर हम आज से 5 से 6 साल पहले चलें, आप जानते हो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर थे, अब ये मैं सीरियस बात करूं, ये वाली बात हट गई, आप सुनो मेरी बात, आज से 5 से 6 साल पहले 5 से 6 लाख के 3 लाख के आपके कोर्सेज चलते थे, उस टाइम महंगाई कितनी कम थी, अभी के टाइम पे महंगाई बढ़ चुकी है बट कोर्सेज के दाम कम कर रहा है हर कोई, बट PW के बराबर कोई नहीं है,
यही काम तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर, आज के टाइम पे जो हम जैसे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम्हें लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट हो गई है, लोग इतना ज़्यादा मेहनत से महंगा महंगा खरीद रहे हैं, तुम उसको अपने टाइम पर कम करने की कोशिश करना। ये काम तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर करना है। ये चीज मैं तुम्हें और हाईली रिकमेंड करूंगा कि कुछ ऐसा काम करो, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो यार। तुम्हें लोग जाने, तुम जब खत्म हो उस टाइम पे लोग तुम्हारे पीछे गए कि यार एक बंदा आया था जो कि गया दुनिया से तो कुछ छोड़ कर गया है, ये चीज लोग सोचें। ये चीज तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर करना है। ये चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।